अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स में से हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने जो हमारे इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं उन पे आएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। मकसद क्या है यहाँ पे आने का? यहाँ पे बस आने का मकसद ये है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मेन चीज हमें चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल मेथड तरीके से हम नहीं चलेंगे। आपको फिजिक्स में ये चीजें काम आती है, ठीक है। हम पूरे डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे डिफरेंशिएशन को, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे काइनेमेटिक्स आपको पढ़नी होगी फिजिक्स में, वहां पे यूज होता है मोशन इन 1D, या वहां पे आपको ये काम आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो मे बी बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग उल्टे उल्टे सीधे कुछ अच्छे अच्छे आंसर भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन को करने से पहले आप याद रखो कि स्लोप क्या होता है। हमारा स्लोप क्या होता है? मैं अगर यहाँ पे कोई एक ग्राफ बना लेता हूँ वाई वर्सेस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक लाइन खींच लेता हूँ, ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा। क्या बनता है? अब इसी थीटा का अगर आप निकालेंगे टेन थीटा, उसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं? अगर इसी एंगल का आप क्या निकालेंगे टेन, उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ये तो बेसिक बात हो गई। अच्छा, ये तो यहां पे हो गया। अगर मैं चाहूंगा कि यहां पे मेरा स्लोप आ जाए, अगर मैं चाहूंगा कि यहां पे मैं अपना स्लोप निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे चाहूं, ठीक है, तो अगर आप देखें कि यहां पे जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ना, वो आपको कॉन्स्टेंट रहता है, वो आपको क्या रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो इस लाइन का, जो इस ग्राफ का यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो बन जाता है हमारा कॉन्स्टेंट। चलो सर, ठीक बात होगी। अगर मैं यहां पे एक और कर लू वाई वर्सेस एक्स के, इस तरीके से लू मैं ग्राफ, ठीक है, मैं बोलू यहां पे आप निकालो स्लोप, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे, इसके साथ थीटा बन गया। मैं बोलूंगा यहां पे आप निकालो, आप क्या करेंगे, आप टेंजेंट डालेंगे, यहां पे थीटा बन गया। मैं बोलूंगा यहां पे आप निकालो, आप क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे, तो यहां पे थीटा बन गया। इसका मैं नाम दू थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, यहां पे तो कॉन्स्टेंट रहता था हमारा थीटा, यहां पे जो है ये चेंज होता है। यहां पे एंगल थोड़ा छोटा था, फिर उससे ज्यादा बढ़ गया, फिर उससे ज्यादा बढ़ गया, यहां पे अगर आप निकालोगे तो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कर्व में दिक्कत है। इस कर्व में क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्लोप निकालो, तो आपको निकालना क्या है, आप बोलेंगे हम निकालेंगे स्लोप एट अ पॉइंट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, स्लोप एट अ पॉइंट, क्योंकि यहां पे तो वेरी होता है, यहां पे एंगल कम था, यहां पे उससे ज्यादा आ गया, यहां पे उससे ज्यादा आ गया, यहां पे उससे भी ज्यादा आ गया, ठीक है। तो यहां पे तो हम, यहां पे कॉन्स्टेंट था, तो हमने बोल दिया स्लोप जो है डेट विल बी टेन थीटा। यहां पे आपको निकालना है स्लोप एट ए पॉइंट, क्योंकि जो थीटा है वो बढ़ता जा रहा है, वो क्या जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों कर्व्स को हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, वो देखो आप कैसे। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो पहला कर्व मैंने लिया था ना, मैं उसको फिर से ड्रॉ करूंगा। दिस इज वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, यहां पे मेरी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यहां पे जो है मेरा एंगल थीटा, यहां पे आप स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब स्लोप कर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं मान लूंगा यहां पे ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लूंगा इट्स पॉइंट वन, एक्स वन वाई वन, और यहां पे मैं एक और पॉइंट लूंगा पॉइंट टू, उसको मैं नाम दूंगा एक्स टू वाई टू, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ड्रा कर रहा हूं इसके साथ, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है मेरे पास, ठीक है, याद रखे यहां पे जीरो हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहां से यहां तक, यहां से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है एक्स वन, इस पॉइंट से लेकर यहां तक पॉइंट क्या है एक्स टू,
हो गई ये बात क्लियर। अच्छा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है वाई वन, ठीक है ये तो आ गई हमारी वाई वन। अच्छा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस कितनी है वाई टू, बात समझ आ रही है। मैं इस ट्रायंगल को अब बाहर दूंगा, ये इस तरीके से मेरी ट्रायंगल है। अब मैं बोलूंगा बताओ यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यहां से यहां तक तो वाई टू हो गई और यहां से यहां तक तो वाई वन हो गई, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अच्छा ये कितना होगा, यहां से यहां तक जो है ये तो है एक्स टू, ये तो यहां से यहां तक कितनी है ये तो एक्स टू है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है एक्स वन है, यहां से यहां तक एक्स वन है, यहां से यहां तक एक्स टू है, मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए, वो आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। मुझे निकालना है स्लोप, क्या निकालना है स्लोप, स्लोप मैंने क्या बोला वो आएगा टेन, ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ तो थीटा बना है तो उसका टेन निकालो, टेन थीटा, टेन थीटा होता किसके बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाली और बेस भी मैंने निकाली, वो आएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वाई वन एक्स वन। ये जो स्लोप आपने पढ़ा है ना ये आपने नाइन्थ और टेंथ क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इजंट इट इजी। अच्छा कोई बोलेगा सर यहां पे नहीं, मैं यहां पे निकालूंगा इसका थीटा, मैं यहां पे निकालूंगा, ठीक है तो यहां पे आपको एक पॉइंट लेना है, यहां पे कहीं और एक और पॉइंट ले लो, ड्रा कर लो, यहां पे भी ट्राइंगल बनेगी, स्लोप आपको हमेशा यही चीज मिलेगा, स्लोप आपको यही चीज मिलेगा। अब यहां पे निकालना चाहेंगे तो भी आपको यही स्लोप मिलने वाला है, ठीक है, अब यहां पे अगर निकालना चाहेंगे तो भी यही चीज आपको मिलने वाली है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो आता है स्लोप हमारा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस मैंने निकाली वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस वाई एक्स वन, तो ये तो स्लोप आ गए, ये हम पढ़ते थे टेंथ और नाइन्थ क्लासेस में, इजंट इट। लेकिन बात अगर हम वहां पे करेंगे जो हमारे पास दूसरा कर्व है ना, हम अगर उसको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास दूसरा कर्व है, देखो इस तरीके से मैंने लिया दिस इज एक्स वर्सेस वाई ग्राफ और ये मेरे पास कर्व है, ठीक है, मैं बोलूंगा कि यहां पे जो है अगर आप यहां पे देंगे पॉइंट एक, मैं वही करूंगा जैसे मैंने यहां पे लिया पॉइंट वन पॉइंट टू, यहां पे मैं लूंगा पॉइंट वन, इसका मैं नाम दूंगा एक्स वन वाई वन, और यहां पे मैं लूंगा एक और पॉइंट पॉइंट टू, इसका नाम दूंगा मैं एक्स टू वाई टू। जब आप इसका टेंजेंट डालेंगे ना इस तरीके से, सॉरी जब आप इस तरीके से जाएंगे तो ये इसको कट करते जाएगा, ये इसको क्या करता जाएगा, यहां आपको चाहिए एक ट्रायंगल, आपको क्या चाहिए एक, आपको चाहिए एक ट्रायंगल, लेकिन जब आप इसकी ये डालते हैं टेंजेंट वो इसको कट करते जाता है, टेंजेंट तो कट करते हुए नहीं जाना चाहिए लेकिन जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो इसको कट करते जा रहा है, इजंट इट, तो इसका स्लोप निकालना मुश्किल है। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए फिर क्या होगा, क्योंकि स्लोप तो निकालना है मुझे, इस कर्व का स्लोप तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इसी तरीके से किया था जैसे मैंने यहां पे किया, मैंने पॉइंट वन लिया था, मैंने पॉइंट टू लिया था, ठीक है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या थी, मुझे चाहिए थी एक ट्रायंगल चाहिए थी, मैं इसका वैल्यू निकाल लेता, इसका वैल्यू निकाल लेता, मेरा काम आसान हो जाता, ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पे टेंजेंट डालता हूं वो इसको कट करते हुए जाता है, वो इसको कहां क्या करता हुआ जाता है, कट करते हुए जाता है। अब फिर स्लोप कैसे निकालेंगे हम, फिर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ग्राफ ड्रा करेंगे, दिस इज एक्स दिस इज योर वाई, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पॉइंट यहां पे वन था, ये जो पॉइंट यहां पे टू था, आपको इस पॉइंट वन को इतना क्लोज लाना है टू के पास, इतना क्लोज लाना है कि इनका जो टेंजेंट है वो कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलो आप बोलेंगे यहां नहीं मैं इतना कॉमन लूंगा, ठीक है, यहां पे सर हमारा पॉइंट था, मैं यहां पे नहीं मैं यहां पे लाना चाहूंगा इसको, कहां पे लाना चाहूंगा, जब आप इसको ड्रा करेंगे तो भी एक इस ग्राफ को कट करते हुए जाएगा, ठीक है, तो भी इसको एक कट करते हुए जाएगा, जब इसको कट करते हुए जाएगा तो आपको क्या होगा, तो भी आप लोगों की जो ट्रायंगल है वो नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि जब आप इसको इस तरीके से करेंगे ये तो भी इसको क्या होते जाएगा, कट करते हुए जाएगा, तो सर फिर हमें करना क्या है, तो आप लोगों को करना क्या है, आपने ये करना है कि इस ग्राफ को जब आप इस तरीके से लेंगे,
आपको पॉइंट वन और पॉइंट टू को इतना क्लोज लेना है, इतना क्लोज लेना है कि यहां पे अगर मेरा पॉइंट टू था ना, जिसका था एक्स टू वाई टू वैल्यू, और यहां पे मैं लूंगा बहुत पास एक्स वन कॉमा वाई वन, कि जब मैं इनके बीच में टेंजेंट डाल दूं कि वो बन जाए कॉमन, जो टेंजेंट बन जाए वो क्या बन जाए, जब टेंजेंट कॉमन बन जाएंगे यहां पे मेरे पास ये ट्रायंगल बन जाएंगी। फिर बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, यहां से यहां तक मुश्किल था इसका निकालना स्लोप। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट वन को बहुत क्लोज लिया, बहुत ज्यादा क्लोज लिया, इतना क्लोज लिया कि इन दोनों का जो टेंजेंट आप डालेंगे ना वो कॉमन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो यहां पे आप ट्रायंगल बन गए, वही चीज हो गया। अब इसका स्लोप जब आप निकालेंगे, जब आप स्लोप निकालेंगे तो ये जो ट्रायंगल है इसको बाहर लेके जाओ उसी तरीके से। अब यहां से यहां तक ये पॉइंट बन गया कितना, यहां से यहां तक हो गया एक्स वन, ठीक है, और यहां से यहां तक बन गया ये एक्स टू, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बन गया वाई टू, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बन गया वाई वन। यानी कि स्लोप आपको फिर वही मिलेगा, परपेंडिक्यूलर बटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिक्यूलर बटा बेस, यहां पे परपेंडिक्यूलर डिस्टेंस आपको वही मिलेगी वाई टू माइनस वाई वन, और बेस भी आपको उसी के बराबर मिलेगी एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन ये जो एक्स टू माइनस एक्स वन, मैंने इस पॉइंट को इतना क्लोज लिया, इतना क्लोज लिया पॉइंट किसके साथ, पॉइंट टू के साथ, कि मेरा वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन जा रहा है कितना, जीरो, और मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन जा रहा है कहां पे, जीरो। आपको इतनी डिस्टेंस इनके बीच में कम करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी डिस्टेंस आपको कम करनी पड़ेगी कि इन दोनों का स्लोप जब आप डालेंगे वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि इतना करीब लेना है कि वाई टू माइनस वाई वन अप्रोच होना चाहिए, जीरो वैल्यू कभी नहीं लेगा क्योंकि वो यार आई एम राइटिंग दिस हियर इट अप्रोच टू जीरो, ये कभी जीरो के जीरो का वैल्यू लेगा नहीं, लेकिन इट टेंड्स टू जीरो। सिमिलरली जब वाई टू माइनस वाई वन जीरो के करीब आएगा तो एक्स टू माइनस एक्स वन भी किसके बराबर आएगा, ये करीब 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 का किसके बराबर आएगा, जीरो। ये जो करीब करीब हम बोल रहे हैं ना, दिस एक्स टू माइनस एक्स वन करीब करीब जीरो की तरफ जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन करीब करीब किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। इसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डी वाई, और इसको बोलते हैं डी एक्स। ये करीब करीब जीरो की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स में डी एक्स, और ये करीब करीब जाएगा जीरो, इसको हम बोलेंगे डी वाई। यानी कि जो वाई टू माइनस वाई वन है वो एक्चुअली अब क्या बनेगा, वो आपका बनेगा डी वाई, और जो एक्स टू माइनस एक्स वन है वो बनेगा डी एक्स। क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इट अप्रोच टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन इतना 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 बहुत 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 पास है, जो बहुत 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 पास है, इसी को बोलते हैं डी एक्स, ठीक है। और वाई टू माइनस वाई वन पहुंच रहा पहुंच रहा पहुंच रहा, जीरो तो कभी नहीं लेगा, लेकिन पहुंच रहा किधर, जीरो की तरफ, उसको हम बोलते हैं डी वाई। तो हमारा जो बे जो होता है स्लोप वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइप बेस, तो परपेंडिकुलर इज डी वाई और बेस है हमारा डी एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया, तो समझ आया यहां तक मैंने, जो भी चीजें काम की चीजें तो है नहीं, बस समझाने की चीजें है, ठीक है, और लिखने की चीज अब जो मैं बोलूंगा वो जो पहला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि लिखने की जरूरत, जितना भी हमने डिस्कस किया वो पहला पॉइंट ये है कि व्हाट एक्चुअली इज अब डी वाई बाई डी एक्स, व्हाट एक्चुअली इज अब क्या डी वाई बाई। तो हमें यहां से पता चलता है इट्स एक्चुअली द स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ किसका, ऑफ वाई वर्सेस एक्स, ये चीज भी बोल सकते हो, इट्स अ स्लोप ऑफ ए ग्राफ, इट्स अ स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, ये भी बोल सकते हो, या तो ये भी बोल सकते हो कि इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसको जो है वाई टू माइनस वाई वन या डी वाई को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो आप इसको ये बोल सकते हो इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पॉइंट लिखने वाला है आपका सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट, ये चीजें अगर किसी को समझ में नहीं भी आएगी ना कोई दिक्कत नहीं भाई, एंट्रेंस में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी आपको, इलेवेंथ में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जिसको ये चीज याद नहीं रहा ना फिर तो गया वो, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है।
तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या है इसका मतलब, इट्स द स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, या तो आप बोलेंगे इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये जो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई जब x2 माइनस x1, जब ये चेंज हो रहा है तो यहां पे भी ये चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू। तो ये पहला आपका था इसका इंट्रोडक्शन इस पार्ट कि डिफरेंशिएशन जो है व्हाट एक्चुअली मींस व्हाट dy बाई dx। हम फर्दर आगे चलेंगे, देखो ये इतना टफ भी नहीं है, और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा ना, मैं वही चीजें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो आपकी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जो आपकी फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है, ठीक है, ऐसी काम आने वाली है कि आप बराबर 11th से लेकर एंट्रेंस तक, और जब तक आप इंशाल्लाह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनेंगे तब तक ये चीजें आपको काम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं अगर आप बोलूंगा मेरा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसका क्या निकालो, तो मैं बोलूंगा इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी जीरो। वो क्या आएगी, इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मेरे पास y होगा c तो dy by dx किसके बराबर आएगा, जीरो। c को कोई भी वैल्यू दे दो, वन आएगा तो dy by dx जीरो, टू दे दो जीरो, फाइव तो यहां पे मैंने दिया c का वैल्यू, तो मैंने बोला dy by dx इज इक्वल टू जीरो। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। सर कैसे जीरो है, कैसे, चलो जाएंगे यहां पे y इज इक्वल टू फाइव आता है ना, यहाँ पे हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया फाइव, y इज इक्वल टू फाइव, ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू फाइव, बना लिया। तो हमें क्या चाहिए, dy by dx। अब dy by dx एक्चुअली क्या है, ए स्लोप है भाई, और स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है बराबर टेन थीटा, ये आएगा टेन, ये जो लाइन है यहां पे एंगल कितना बनाएगा, थीटा क्या यहां पे होगा जीरो, यहां पे इस लाइन पे थीटा क्या होगा, यहां पे होगा जीरो, और टेन जीरो किसके बराबर होगा, जीरो, तो स्लोप होगा जीरो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होगा जीरो। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, वाई इज इक्वल टू फाइव को प्लॉट कर लो, ठीक है, सबको आता है ना वाई इज इक्वल टू फाइव, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है क्या, ये तो भाई स्लोप है, स्लोप है क्या, टेन थीटा, तो यहां पे थीटा कितना बन रहा है, यहां पे थीटा जीरो बन रहा है, तो टेन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो, यानी कि स्लोप होगा इसका जीरो। स्लोप किसको बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू फाइव का डी वाई बाई डी एक्स होगा जीरो। बात समझ आ रही, तो यहां से हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये पहला आपको याद रखना पड़ेगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। देखो अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बात दिमाग में आनी चाहिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, पेपर बिल्कुल हम उसको फाड़ना चाहिए, हमें चाहिए एंट्रेंस में सीट, क्या चाहिए, उस एंगल से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास है यहाँ पे पॉइंट, दैट इज अगर y होगा बराबर x रेज पावर n, अगर y किसके बराबर होगा, x रेज पावर, व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, तो वो किसके बराबर होगा, ये n आता है डाउन, क्या आता है, और x रेज पावर n को एक कम होगा, n से एक कम होगा, देखो वन टू थ्री फोर सो ऑन, n माइनस टू के बाद आएगा n माइनस वन, n माइनस वन के बाद आएगा n, n के बाद आएगा n प्लस वन, यहां पे पावर कितना है n, ये पावर यहां पे आएगा बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको, आप बोलो बेस, इसको आप बोलेंगे पावर, यानी कि पावर डाउन, पावर डाउन, बेस रिपीट, और इसके बेस रिपीट के ऊपर आएगा पावर माइनस वन, बेस रिपीट के ऊपर क्या आएगा, पावर माइनस वन, या तो इस तरीके से याद कर लो, जो पावर होगा डाउन, जो एक्स अब आएगा वही लिख रहा है लेकिन एक कम, एन से एक कम आएगा एन माइनस वन, एक्स रेज पावर एन माइनस वन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन, और ये बहुत 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 जगहों पे यूज होता है, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ, नाउ इफ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेनी 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 एग्जांपल्स, हम अगर यहाँ पे उठाएंगे, अब फॉर एग्जांपल एग्जांपल वन में उठाऊंगा, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव,
आप बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, फाइव आएगा डाउन, एक्स का एक होगा कम, डेट्स एक्स रेज पावर फोर, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे, फाइव आएगा डाउन, एक्स रिपीट पावर माइनस वन, डेट इज फाइव माइनस वन, डेट फाइव माइनस आएगा फाइव एक्स रेज पावर फोर, यानी कि वही फाइव एक्स और यहाँ पे जो पावर है उसका एक कम, फाइव एक्स रेज पावर फोर। अच्छा दूसरे पे अगर हम चलेंगे y इज इक्वल टू, यहां पे मैं दूंगा x रेज पावर 10, शाबाश, व्हाट विल बी देन dy बाई डी एक्स, पावर डाउन, बेस रिपीट, पावर माइनस वन, डेट्स 10 माइनस वन, y का 10 x रेज पावर 10 माइनस वन इज 9, ये इसकी होगी डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो दूसरा तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x रेज पावर 1000, x रेज पावर, तो यहां पे क्या करेंगे, n है यहां पे 1000, तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे, 1000 को नीचे लाओगे, x लिखोगे वापस, x के ऊपर लिखोगे 1000 माइनस 1, y का 1000, x रेज पावर 1000 में से 1 निकालो तो 999, ये इस तरीके से इस चीज की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये जो पॉइंट है इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n इज व्हाट, एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, यानी कि जो पावर है वो नीचे आता है। अच्छा अगर इस तरीके से अब कभी होगा, कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पास है वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स रेज पावर फोर, वट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, तो करना क्या है, इस फाइव को छेड़ना नहीं है, ये एज इट्स रखना है, कॉन्स्टेंट को बिल्कुल मत छेड़ो, फाइव को ऐसे ही रखोगे, यहां पर इसमें यह फॉर्मूला लगा लो, फोर आएगा डाउन, फोर आएगा डाउन, बेस होगी रिपीट, पावर माइनस वन, डेट्स फोर माइनस वन, 5 4 20, x raise it power 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं आप लोगों को, इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू x raise it power 200, ठीक है, मैं बोलूंगा इसके यहां पे मैं मल्टीपल करूंगा 2, बोलूंगा व्हाट विल बी dy by dx, व्हाट विल बी dy by, तो 2 को आप लोगों को छेड़ना नहीं है, 2 को अपनी जगह पे रखना, 200 आएगा नीचे और x raise it power 200 माइनस 1 लिखना है, वो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीपल दूंगे, कॉन्स्टेंट को आएगा 400, एक्स रेज पावर आएगा 199, ये बस इतना छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि एक्स रेज पावर एन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, पावर आएगा डाउन, बेस होगी रिपीट और इसके ऊपर आएगा एन माइनस वन, फिर अगर इस तरीके से कोई कॉन्स्टेंट इसके साथ होगा तो कॉन्स्टेंट को आपको छेड़ना नहीं है, इसको अपनी जगह पे रखना है और इसको डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, पावर को नीचे लाएंगे, एक्स रिपीट या डेट्स बेस रिपीट, इसके ऊपर लिखेंगे पावर माइनस वन, तो यू विल एंड अप विद 20 एक्स रेज पावर 3, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे क्या दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, दैट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे मैं तीन चीजों की डिफरेंशिएशन लिखूंगा, दो तो हो गया हमारे, तीसरा अगर मेरे पास होगा वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और चौथा अगर मेरे पास होगा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, फिफ्थ अगर मेरे पास वाई इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स, इन तीनों को 3 + 2 जो हो गए 5 फॉर्मूलाज अगर आप याद रखेंगे तो आपकी फिजिक्स जो है ना, या काइनेमेटिक्स, या आपके पास है मोशन इन 1D जो है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर मैं लूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स, बोलूंगा व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो आप क्या बोलेंगे, करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे, इसके ऊपर 1 लगा दो, ठीक है, पावर डाउन, बेस रिपीट, पावर माइनस 1, 1 माइनस 1, तो वो क्या आएगा 1, ये आएगा x रेज पावर 0, x रेज पावर, तो ये आएगा बराबर 1। तो कभी अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 5x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 5x, मैंने क्या बोला, कॉन्स्टेंट को छेड़ना नहीं है, और x की डिफरेंशिएशन यहां पे मैंने दिखाया, दैट x द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, 5 * 1 इज 5, तो जब भी आप देखेंगे कोई 100x होगा, बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, y की सीधे 100, जो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूंगा इसी तरीके से y इज इक्वल टू यहां पे होगा -200x, तो आप सीधे बोलेंगे आएगा -200, बात खत्म की, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x होता है वापस e पावर x, ठीक है। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग डी वाई बाई डी एक्स वन लॉग एक्स का होता है 1/x, और फिफ्थ का होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है यही ए पावर एक्स है ना, वाई से लिखो ए पावर एक्स, और होता है लॉग ऑफ ए, क्या होता है लॉग। अच्छा आप इस और इसमें कनेक्शन है, इसमें और इसमें कनेक्शन है, मैं दिखाऊंगा कि ई पावर एक्स क्यों आता है ई पावर एक्स, ठीक है,
इसके साथ अगर हम यहां पे ए पावर एक्स, अब सर ए तो कुछ भी हो सकता है, यहां पे ई भी, ए इज अ कॉन्स्टेंट हियर, ए इज अ कॉन्स्टेंट हियर, ई भी तो कॉन्स्टेंट है, ई भी तो इसके साथ फिर लॉग क्या है? मैं पहले ये समझाऊंगा फिर आपको मैं ये अच्छे से समझाऊंगा कि ए के बदले अगर मैं ए क्या है यहां पे कॉन्स्टेंट, ई भी तो कॉन्स्टेंट है, फिर हम उसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? नो सी हियर, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा वाई इज इक्वल टू, अगर आपको मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, लिखना क्या इसको वापस ऐसे लिखोगे टू पावर एक्स क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ जो कॉन्स्टेंट है लॉग ऑफ टू, ठीक है। मैं लूंगा वाई इज इक्वल टू सिक्स इज पावर एक्स, व्हाट्स डी वाई बाई डी एक्स, शाबाश, इसको ऐसे ही लिखोगे एज इट सिक्स एस पावर एक्स, फिर क्या लिखोगे लॉग ऑफ जो कॉन्स्टेंट है लॉग ऑफ सिक्स, ये इसका आंसर होगा। अच्छा सर यहां पे आपने लिया टू कॉन्स्टेंट, यहां पे मैंने लिया सिक्स कॉन्स्टेंट, सर आप ले लीजिए वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, क्योंकि टू भी कॉन्स्टेंट है ई भी कॉन्स्टेंट है, तो एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दिस फॉर्मूला वो क्या आना चाहिए, यहां पे टू पावर एक्स है तो वापस लिखो टू पावर एक्स, यहां पे ई पावर एक्स है तो वापस लिखो ई पावर एक्स, फिर क्या है यहां पे लॉग ऑफ द कॉन्स्टेंट, तो यहां पे लिखेंगे लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है ई, बट लॉग ई होता है वन, लॉग ई किसके बराबर होता है, तो ये वापस आएगा ई पावर एक्स, तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, तो इसके साथ लॉग ई जो आएगा इसके साथ लॉग ई, बट लॉग ई होता है वन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स एक्चुअली आता है यहां से, ठीक है, द डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज व्हाट, ई पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ई, बट लॉग ई इज वन, तो ये आएगा ई पावर एक्स ई, ठीक है। ये हो गए हमारे थ्री पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट्स आप लोगों को बहुत बहुत याद रखने पड़ेंगे, पूरी डिफरेंशिएशन आपको इन चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फिफ्थ तो हो गया सिक्स, अगर वाई होगा साइन एक्स व्हाट्स द डिफरेंशिएशन, व्हाट्स डी वाई बाई डी एक्स, याद रखो कभी कभी एग्जामिनर देता है फाइंड वाई डैश, रिमेम्बर वाई डैश इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश से भी डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं इस तरीके से भी वाई रेस पावर वन से भी डिनोट करते हैं, कभी अगर पूछा जाएगा व्हाट इज वाई रेस पावर वन, दैट्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, वन यहाँ पे वन होगा दैट्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये तीनों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अच्छा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना, कॉस एक्स, कॉस की देखो साइन अच्छा है, जिसका नाम एस से आता है ना, साइन जो है ना ये अच्छा है तभी ये पॉजिटिव आता है, इस तरीके से याद रखोगे। वाई जो है कॉस एक्स, ये कॉस है ना बहुत ही गंदा है, ठीक है, जो गंदा होता है उसको हम नेगेटिव में मार्क्स देते हैं, वाई का माइनस साइन एक्स, इस तरीके से आप याद रखोगे साइन क्या है अच्छा, तो जाके आपको याद रहेगा ये आएगा पॉजिटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स गंदा है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी साइन एक्स, इसका आएगा साइन एक्स उल्टा, लेकिन कॉस गंदा है तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव में मार्क दिए, ठीक है। वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, ये बहुत अच्छा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या आता है sec square x, चलो आगे व्हाट्स डिफरेंस, वाई टेन तो आ गया, व्हाट्स sec x, देखो इसका क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, याद रखे इस जगह जिसकी निकालनी, मैंने क्या लिखा sec x, वापस लिखो यही sec x, मल्टीपल करो जो sec से पहले जो तीसरा नंबर आता है वो किसका आता है tan का, लिखोगे tan x, sec वापस साइन कॉस टेन में जो तीसरा नंबर आता है वो किसका आता है टेन का, मल्टीपल करो सेक के साथ वाई का, ये सेक एक्स वापस सेक एक्स, और इसके साथ तीसरा नंबर जो याद कर लो साइन कॉस और क्या आता है टेन, वो इसके साथ मल्टीपल करो सेक एक्स टेन एक्स, फिर क्या आता है वाई इज इक्वल टू क्या आता है फिर सेक आ गया कॉस सेक एक्स, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉसेक एक्स जो है ना ये वापस लिखो वापस ऐसे कॉसेक एक्स, ठीक है। यहां पे क्या किया जो थर्ड है, बस ये थर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखो सेक में आपने थर्ड मल्टीपल किया, अब कॉसेक में क्या करोगे वापस एक कॉसेक लिखोगे, जैसे हमने यहां पे थर्ड है ना इसको याद रखोगे, अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, वो मल्टीपल करोगे, जो थर्ड है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो मल्टीपल करो, लेकिन कॉसेक गंदा है तो इसको आएगा नेगेटिव, इसको हम क्या देंगे देखो ये आ गया पॉजिटिव, आ गया पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव, ये बेचारा भी नेगेटिव आएगा बिकॉज कॉसेक जो है गंदा है और कॉस हमारा गंदा है, ठीक है। कौन सा और बचा वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन आती है माइनस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास है छह फार्मूलास, कोई बोलोगे सर कोई ट्रिक बता दो, कोई भी ट्रिक बता दो जिससे हमें ये चीजें याद रहेंगी, कोई ट्रिक नहीं इसमें, आपको याद करनी पड़ेगी, आपको
फिजिक्स अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओवरऑल हमें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व और हमें चाहिए सिलेक्शन। तो आपको इन चीजों के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो ये आ गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फॉर्मूला जिसको याद होगी ना, तो काइनेमेटिक्स हो या मोशन इन 1D हो, वो आपको पूरा जो मैथमेटिकल पार्ट है उसमें वो पूरा पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गंदा कौन है इन 6 में? एक तो कॉस एक्सिस गंदा और दूसरा गंदा कौन है? कॉसेक एक्सिस का गंदा है। ठीक है, ये दोनों गंदे गंदे हैं इसमें। बाकी और कौन सा गंदा है? कॉट। तो कौन कौन? कॉस, कॉसेक और कॉट गंदे हैं, इसलिए हमने उनको नेगेटिव नेगेटिव दे दिया। तो बाकी जितने वे सब अच्छे हैं, इसलिए उनको हमने पॉजिटिव दे दिए। तो दीज आर सम फॉर्मूलाज जो आप लोगों को याद रखने थे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, फर्दर हम चलेंगे फिर अलजेब्रा पे, हम डिफरेंशिएशन पे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे हम आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 6 रेज पावर x। क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू cosec x। क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू क्या बोलूंगा log ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू x raised power 99। क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू 100 इंटू x raised power 2। 7 y इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 8 देना चाहूंगा मैं y इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने cosec तो लिखा मैंने y इज इक्वल टू sin x। यहां पे आप अपने दिमाग में सबसे पहले इनके आंसर्स लिखो, तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन को करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, शाबाश। व्हाट विल बी वाई डी वाई बाई डी एक्स? यहां पे डी वाई बाई डी एक्स मैं बस लिखूंगा, आप आंसर लिखोगे अपनी कॉपी पे। तब तक यहां पे इसका डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे इस बेचारे का डी वाई बाई डी एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स। होपफुली पहले 2-3 आपने किए होंगे। क्या होगा? 6 रेज पावर x को वापस लिखो, 6 रेज पावर x, यहां पे लिखेंगे log of constant, that is log of 6। एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, y is equal to e raise it power x। ठीक है, तो यहां पे dy by dx cos क्या होता है? अच्छा कि गंदा? ठीक है, cos गंदा होता है तो माइनस इसको लगा देंगे, cos जिसका निकाल है वो वापस लिखेंगे cos x। और जो थर्ड क्या होता है हमारे पास tan, उसका रेसिप्रोकल होता है cot, यहां पे मल्टीपल करो। y इज इक्वल टू log x, सबको पता है 1/x। यहां पे क्या होगा? जो पावर है डाउन करो x, यह आएगा 99 माइनस 1। चलो आपके लिए एक और स्टेप बढ़ा देंगे, यह आएगा 98। 99 डाउन आएगा x रेज पावर 99 माइनस 1 इज 98। ठीक है, यहां पे कॉन्स्टेंट को छेड़ना नहीं है, यहां पे कॉन्स्टेंट को छेड़ना नहीं, इसको फॉर्मूला लगा लो। 2 डाउन आएगा, x रेज पावर आएगा 2 माइनस 1, 100 इंटू 2 इज 200, यह आएगा यहां पे x, बात खत्म। dy by dx of x, मैंने ये दिखा दिया अभी आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। देखो ये इस तरीके भी सी कर सकते हो, y इज इक्वल x रेज पावर 1 लगा दो, पावर डाउन y डैश अगर निकालोगे, पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस 1, y आएगा 1 इंटू x रेज पावर 0, x रेज पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, y इज इक्वल टू sin x, sin अच्छा होता है तो इसके लिए हम देंगे cos, नेगेटिव मार्किंग नहीं देंगे। और y इज इक्वल टू e पावर x का वापस वही चीज आता है e पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक जो डिफरेंशिएशन आती है आपकी फिजिक्स में वो बस इतनी सी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे अलजेब्रा किस पे? डेरिवेटिव्स पे। अब अलजेब्रा डेरिवेटिव्स में होता क्या है? फिजिक्स में बहुत सारे उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स में। तो यहां पर अगर मैं दूंगा अलजेब्रा डेरिवेटिव्स, देखो कैसे क्या होता है, मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन। अभी तक तो हम अकेले अकेले कर रहे थे, इसको अलग कर रहे थे, इसको अलग कर रहे थे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इतनी तो छूट है मैं कि भाई इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, बस बीच में प्लस लगा लो, बात यही है। अलजेब्रा क्या? डेरिवेटिव्स, पहले एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, फिर डिविजन आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एडिशन किया तो यहां पर क्या आएगा? पावर डाउन एक्स रिपीट होगा, पावर माइनस 1, दैट्स 3 माइनस 1, प्लस साइन अच्छा है ना, तो इसको कॉस लिखो फिर, तो वो किसके बराबर आएगा? 3x square plus cos of x, बात करते हैं।
चलो दूसरा क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, वट विल बी द डिफरेंसिएशन, वट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, पावर डाउन टू डाउन, एक्स रिपीट पावर माइनस वन, लॉग एक्स की आएगी वन बाय एक्स, ठीक है, वाई आएगा टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये होगा इसका आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन में वहां पे लिखना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ आई एम गोइंग टू से दिस फाइंड द डिफरेंसिएशन ऑफ रूट एक्स, फाइंड द डिफरेंसिएशन ऑफ, अब इसको कैसे करोगे, तो डरना नहीं है, इसको आप लिखेंगे एक्स रेज पावर रूट होता है वन बाई टू, बन गया ये वाला केस, एक्स रेज पावर एन वाला केस, निकालो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पावर डाउन डेट्स वन बाई टू, बेस रिपीट एक्स रिपीट पावर माइनस वन डेट्स वन बाई टू माइनस वन, वो आएगा वन बाई टू एक्स रेज पावर, हाफ में से माइनस निकालो माइनस वन तो आएगा माइनस वन बाई टू, या तो ऐसे ही लिखो या तो कोई दिक्कत नहीं, या अगर और जाना चाहोगे वन बाई टू एक्स रेज पावर माइनस वन बाई टू न्यूमरेटर में, इसको नीचे लाओ, यह आएगा एक्स रेज पावर वन बाई टू, वो आएगा वन बाई टू एक्स रेज पावर वन बाई टू इज अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी कि डिफरेंसिएशन ऑफ रूट एक्स इज वन बाई टू रूट एक्स, हो गया। एक और चीज अगर इस तरीके से होगा, वाई इज इक्वल वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, बताओ भाई इसकी डिफरेंसिएशन कैसे करोगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्या एक्चुअली होता है एक्स रेज पावर वन बाई थ्री, यही तो होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर क्या करोगे इसको, क्यों इस एक्स रेज पावर वन बाई थ्री को ऊपर ले लो, एक्स रेज पावर वाईगा माइनस वन बाई थ्री, बस बन गया वही वाला केस, एक्स रेज पावर वन वाला एन वाला केस, तो निकालो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस वन बाई थ्री डाउन, बेस रिपीट एक्स रिपीट पावर माइनस वन डेट्स माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, बात खत्म, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। वापस आएंगे आपने कहां पे, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे, ठीक है, दो क्वेश्चन तो हो गए। अच्छा अगर मैं आपको अब बताऊंगा, दो क्वेश्चन हो गए, मैं आपको बोलूंगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, तो इसकी डिफरेंसिएशन निकालो, व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, और डरना नहीं है कि ये कितना बड़ा है, इनको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करो, बात खत्म, ठीक है। साइन एक्स अच्छा है तो डिफरेंसिएशन कॉस एक्स, रूट एक्स क्या लिखोगे, एक्स रेज पावर वन बाई टू, इसको मैं लिखू एक्स रेज पावर वन बाई टू, कर लो डिफरेंसिएशन पावर डाउन वन बाई टू डाउन, अभी मैंने थोड़ी देर बोला इसकी डिफरेंसिएशन दिखाई, ठीक है, तो याद भी रख लो कि रूट एक्स की डिफरेंसिएशन होती है वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन यहां पे फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस व्हाट्स द डिफरेंसिएशन ऑफ टेन एक्स, कुछ देर पहले ही बताया सिक्स स्क्वायर एक्स, ई पावर एक्स की वापस होती है ई पावर एक्स, वो मैंने दिखाया क्यों आती है ई पावर एक्स, इसके साथ आएगा लॉग ऑफ ई, लेकिन लॉग ई होता है वन, इसीलिए डिफरेंसिएशन ऑफ ई पावर एक्स आती है वापस किसके, ई पावर एक्स की, क्योंकि ई पावर एक्स की डिफरेंसिएशन एक्चुअली अगर आप लेना चाहेंगे वो आता है ए पावर एक्स से, ठीक है, प्लस डिफरेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, अलग अलग करोगे डिफरेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स, तो इसको आप लिखोगे कॉस एक्स प्लस वन बाई टू एक्स रेज पावर माइनस वन बाई टू प्लस सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये हो गया आंसर इसका। अगर रूट में होगा तो इसको नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, वो बनेगा एक्स रेज पावर वन बाई टू, वो बनेगा यहां पे फिर इसकी जगह लिख सकते हो प्लस वन बाई टू रूट एक्स, तो ये हो गया एलजेब्रा। अगर अच्छा होगा प्लस, अगर अब यहां पे माइनस होगा यहां पे माइनस होगा, बस यहां प्लस है उधर आएगा माइनस, जहां प्लस है उधर आएगा माइनस, बात खत्म। तो दिस इज द एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलग अलग करना पड़ेगा, जहां प्लस साइन है उधर आएगा प्लस साइन, जहां नेगेटिव साइन है उधर आएगा नेगेटिव साइन। अच्छा हमारे पास अब एक क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर आपको मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की डिफरेंसिएशन करोगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मोस्ट के बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स इज वन, साइन एक्स की होगी कॉस एक्स, ये आएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये गलत है ये चीज, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज वन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, जब प्रोडक्ट होता है जिस तरीके से हमने एडिशन में किया था, अगर मैं दूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी डिफरेंसिएशन अगर आप निकालेंगे आपको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, एक्स की होगी वन, साइन एक्स की होगी कॉस एक्स, बात खत्म। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, फिर क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा,
उसको हम बोलते हैं शाबाश, यू इंटू वी रूट, यू इंटू। अब इसमें क्या होता है, यू को बाहर निकालो, सॉरी यू को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन करो वी को, वी को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू कर लो, बात खत्म। या पहले वी को बाहर लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ यू कर लो, फिर यू को बाहर लिख लो और डिफरेंशिएशन ऑफ वी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वी को पहले करेगा यू को बाद में करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए खुली छूट है, जिसको आप लेना चाहेंगे उसको ले लो पहला। तो क्या ये आपको रूल आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, या जिसको हम बोलते हैं यू इंटू वी रूल। क्या होता है? यू बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर। अब यहां पे देखो, इसको हम मान लेंगे यू, इसको मान लेंगे वी। क्या होता है? यू को बाहर निकालो, एक्स को एज इट्स लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ करो साइन एक्स, यानी क्या, यू हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस। फिर वी को बाहर निकालो, वी बाहर, वी क्या है, साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन करना है किसको, एक्स को, बात खत्म, कर लो आप। क्या आएगा? ये तो हो गया एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपनी जगह पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होगा, एक्स स्क्वायर किसी भी को मान लो, इसको मान लो यू, इसको मान लो वी, याद कर लो प्रोडक्ट रूल किसके बराबर होता है, यू इंटू वी को अगर डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ये याद रख लो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यू बाहर, व्हाट्स यूर यू, इसको यू लिखो, इसको वी लिखो, यू बाहर, दैट्स एक्स स्क्वायर बाहर, यू हैव टू राइट डाउन देन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस देन वी को बाहर निकालेंगे, यहां पे देखो फॉर्मूला पे, वी बाहर, वी इज योर लॉग एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आएगा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स अपनी जगह पे, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आएगा टू एक्स रेज पावर टू माइनस वन, ठीक है। वो आएगा किसके बराबर, यहां पे देखो एक एक्स और एक एक्स कैंसिल, तो एक्स प्लस, ये आएगा ट्वाइस एक्स, टू एक्स, टू माइनस वन इज वन, तो आएगा टू एक्स, और इसके सब मल्टीप्लाई लॉग एक्स, टू एक्स लॉग एक्स। इस तरीके से आप इस तरीके से क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर होगा और आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट में फंक्शन होंगे, तो आपको एक को यू लेना पड़ेगा, एक को वी लेना पड़ेगा। अच्छा, कभी अगर इस तरीके से अब नहीं होगा, अगर कभी आपके पास होगा साइन एक्स बाई एक्स, तब क्या करोगे, ठीक है। मोस्टली बच्चे बोलेंगे एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स टू पावर माइनस वन, प्रोडक्ट और रोल कर लेंगे, गुड। लेकिन अगर नीचे मोर देन वन टर्म्स होंगे तब क्या करोगे, नीचे अगर मोर देन वन टर्म्स होंगे तो तब क्या करोगे। तो याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी इस फॉर्म में होगा, आप इसको ले सकते हो ऊपर, इसको आप प्रोडक्ट और रूल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे होगा वन प्लस एक्स, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, या वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो भी और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यू बाई वी रूल एक और आपके पास होता है, यू बाई वी रूल एक होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन जो आती है ना, यू बाई वी रूल की जो डिफरेंशिएशन आती है, जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर लिखो, याद रखने का तरीका देखो क्या है, जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर है, फिर जिसका स्क्वायर है ना वही पहले लिखो, जिसको आप स्क्वायर लेते हो वही पहले लिखो, यानी कि वी बचा क्या, तो यू को डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर नेगेटिव साइन इसमें आता है, पहले यू को हमने वी को बाहर रखा, अब यू को बाहर रख लो, यू बाहर, डिफरेंशिएशन कर लो वी को, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, बात करो, दिस इज द प्रोडक्ट, सॉरी डिविजन रूल, ठीक है। यू बाई वी रूल करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर जिसका स्क्वायर लिख रहे हो, ये जो वी है नीचे जो टर्म आती है, उसी को पहले यहां पे लिखो, यानी कि वी को यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, यू एंड वी, जब आपने वी को बाहर निकाला है, तो यानी कि आपको फिर यही एक चीज बचता है कि डिफरेंशिएशन करो यू को, फिर माइनस, क्योंकि पहले आपने वी को बाहर निकाला है, अब नेक्स्ट में आपने यू को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन करनी है किसको, वी को। नाउ सी हियर, दिस इज योअर यू नाउ एंड दिस इज योअर वी नाउ, मैं बोलूंगा कर लो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले लिखोगे जो डिनोमिनेटर में क्या है एक्स, उसका स्क्वायर लिखो, फिर ये जो एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इस एक्स को ये इसका स्क्वायर जो है, बस आपको ये एक टर्म लिखनी है एक्स, जैसे यहाँ पे था वी स्क्वायर, मैंने वी लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स को यहाँ पे लिखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी, साइन एक्स की,
माइनस फिर साइन एक्स को बाहर लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज वन, तो यहां पे सिर्फ बचेगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज योर यू बाई वी रूल जो है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मेरे पास है ऊपर साइन एक्स, नीचे है क्या लेंगे, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। चलो इसकी डिफरेंशिएशन का, देखने में तो लगता है बहुत ही वाहियात टाइप, लेकिन है तो इजी। यू बाई वी रूल हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं, जो वी है उसका स्क्वायर लिखो, टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बाकी फिर यही लिखो वापस यहां पे, क्या आएगा टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन अपनी जगह पे, और डिफरेंशिएशन करोगे जो ऊपर आपके पास है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर लिखो, फिर कर लो डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपने बाहर रखा है, दैट इज टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। ठीक है, तो कर लो वो आएगा टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन अपनी जगह पे, और मल्टीपल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे। यहां पे इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, टू को छेड़ना नहीं है, एक्स क्यूब क्या आएगी थ्री डाउन एक्स रेज पावर थ्री माइनस वन इज टू प्लस सिक्स आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज व्हाट वन, एंड कॉन्स्टेंट का मैंने आपको दिखाया वो है जीरो, डिवाइडेड बाई लिखोगे टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस वन का होल, बात खत्म। इस तरीके से आप यू बाई वी रूल के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फिजिक्स का वहां से चल रहा है कुछ टॉपिक जो जिसमें आप लोगों को डिफरेंशिएशन की काफी जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जल्दी जल्दी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन चीजों को याद रखेंगे, बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, फॉर्मूलाज याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। ठीक है, ये तो थे हमारे पास क्या एलजेब्रा डेरिवेटिव्स। अब एक और केस यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं चेन रूल, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे। अब चेन रूल होता क्या है, देखो क्या होता है, मैं चाहूंगा मैं लूंगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बोलूंगा भाई इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, क्या करोगे, हमने तो लिया है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, क्या लिया, तो यहां पे एक्स था तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आया था कॉस एक्स। आप चाहते हैं ना, देखो मेरी तरफ सब देखेंगे, आप चाहते हैं कि यहां पे तो एक्स था तो हमने लिया कॉस एक्स, आपका मन कर रहा है ना कि काश ये एक्स स्क्वायर की जगह काश ये एक्स होता, सबका दिल यही जा रहा है ना कि इस एक्स स्क्वायर की जगह काश ये एक्स होता तो मेरी डिफरेंशिएशन तो हो जाती। तो मैं बोल रहा हूं भाई मान लो तुम्हारी जो विश है ना कि आप अंदर से बोल रहे हैं ना काश ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता, तो मैं सीधे लिखता कॉस एक्स, तो मैं बोल रहा हूं मान लो ये एक्स स्क्वायर, मान लो आपके एक्स स्क्वायर इज एक्स, तो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन साइन एक्स, दैट्स कॉस एक्स, बट एक्स को आपने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर को आपने मान लिया एक्स। ध्यान से वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन उसकी होती है कॉस, मैंने लिया यहां पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन हम इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है। ठीक है, तो दिल क्या चाह रहा है, काश इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता, ये एक्स स्क्वायर काश इसको हम बोलते हैं एक्स, तो मैं बोलूं बोल दो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट्स कॉस ऑफ एक्स, एक्स क्या एक्स स्क्वायर, फिर करना क्या है, फिर ये जो चीज है ये वाला पार्ट इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, बस इतना करना पड़ेगा, मींस यू हैव टू देन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ जो एंगल है टू एक्स स्क्वायर की करनी, वो आएगा बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी टू एक्स, तो दिस इज आंसर टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर आपका दिल कर रहा है मैं एक और लूंगा साइन में ही, अगर मैं लूंगा वाई इज इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, मैं बोलूंगा कि इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ करो, वाई इज इक्वल टू व्हाट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, सर हमने तो साइन एक्स का पढ़ा है कॉस एक्स, हमने साइन एक्स का पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स व्हाट कॉस एक्स, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पूरी टर्म को मान लो आप एक्स, क्या मान लेंगे
तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन है तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, लेकिन फिर ये जोड़ना पड़ेगा इनटू मल्टीपल करना है, याद रखिए मल्टीपल करना है डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट जो यहाँ पे अंदर है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगी टू डाउन एक्स रेज पावर टू माइनस वन इज वन प्लस थ्री, अपनी जगह पे छेड़ना नहीं है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन और टू की डिफरेंशिएशन होगी कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी जीरो। अच्छे से लिखेंगे ये आएगा टू एक्स प्लस थ्री इंटू आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, अब देखो जो आपको बुक्स में मिलेगा पुट इट इज इक्वल टू टी, फिर निकालो डी टी बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स वही आएगा, दैट्स वो फालतू की चीज है। हम यहाँ पे बैठे कॉम्पिटिशन में, कहाँ बैठे और कॉम्पिटिशन में आपको वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं चाहिए, पहले इसको टी पुट कर लो फिर इसको निकालो डी डी बाई डी एक्स, ठीक है फिर उसमें फॉर्मूला लिखो डी वाई बाई डी एक्स को लिखो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो जाके आगे आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। इतना टाइम ना हमारे पास यहाँ होता है और ना आपके एग्जाम में, जब आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको वो चीजें भूलनी पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन अगर होगा, अगर e रेज्ड पावर 2x होगा, हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू e पावर x की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखी है वो आती है वापस e पावर x, वही चीज चाहते हैं कि काश ये 2x x होता तो मैं वही बोलूंगा भाई मान लो आपकी विश पूरी होगी, हो भी गई, इसको आप मान लो x है, ठीक है तो आएगा e पावर x की डिफरेंशिएशन होती है ना वापस e पावर x, तो मैं इसको लिखूंगा वापस e पावर 2x, ठीक है बट इस 2x की फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी मल्टीपल में, याद रखिए डिवाइड में नहीं, ठीक है सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है इनटू d बाय dx ऑफ 2x, तो 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2 और आएगा e पावर 2x। दिस इज द चेन रूल जिसको आपने याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई एक और एग्जांपल लेंगे हम चेन रूल पे ही, कौन सी लेंगे, अगर मैं लूंगा फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, चलो ये लेंगे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैंने ली, साइन ऑफ कॉस एक्स मैं बोलूंगा बताओ भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है हमने पढ़ा है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, याद रखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, अगर मेरे पास वाई इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे किसके बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स, ये है साइन तो है सर साइन यहां पे भी, लेकिन एक्स की दिक्कत है यहां पे कॉस, मैं बोल रहा हूं कि इस कॉस एक्स को आप मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए तो साइन एक्स की होती है कॉस ऑफ एक्स, तो लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, एक्स किसके बराबर है कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स यहां पे एक्स के बदले कॉस एक्स, वो एक्स के बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स, लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स के बदले क्या है कॉस एक्स, इंटू करनी पड़ेगी फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, अंदर वाली चीज, ठीक है वो आएगा कॉस ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस गंदा है तो माइनस एक्स, पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन, इस तरीके से आप चेन रूल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बोल के चलूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर ग्राफिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन ग्राफ्स का कर लेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं अगर दूंगा कि मेरे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है मैं आपको बोलूंगा dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, यहां पे मैंने क्या लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं बोलूंगा व्हाट इज dy बाई डी एक्स, आप इजीली बोल सकते हैं सर 2 डाउन आएगा x रिपीट होगा और 2 माइनस 1 y आएगा 2x, वेरी गुड यही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूंगा भाई इसकी डिफरेंशिएशन निकालो dy बाई डी आर, मैं लूंगा y इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं लूंगा व्हाट्स डी वाई बाई डी एक्स, मोस्टली इस तरीके से क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं व्हाट्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे पहले आएंगे y क्या है फंक्शन है एक्स स्क्वायर में और आपसे पूछा जा रहा है r में,
देखो यहां आर तो कहीं है ही नहीं, आर और एक्स के बीच में इसमें रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाई बाई वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और पूछा क्या जा रहा है, डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई डी आर, इस आर और एक्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पे, मीन्स दिस एक्स स्क्वायर विल एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट, क्या करेगा, क्योंकि हमें निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू आर, डी वाई बाई डी आर, और यहां पे कहीं आर है ही नहीं, यहां पे कहीं आर है ही नहीं, तो फिर इसके ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्ट करेगा एज अ कॉन्स्टेंट, एंड को डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो। चलो इस तरीके से अगर होता आर क्यूब एक्स क्यूब, मैं बोलूंगा व्हाट्स डी वाई बाई डी आर, डी वाई बाई दिस एक्स क्यूब विल एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट, ये बाहर आएगा, और आर क्यूब की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर ही कर रहे हैं, यहां पे इनके बीच में रिलेशन है, तो पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस वन, थ्री माइनस वन इज टू, तो आप लिख सकते हैं इसको थ्री आर स्क्वायर एक्स क्यूब। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और आर के बीच में, यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर था आर कहीं नहीं था, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी आर, क्या निकालना है डी वाई बाई डी आर, इसमें आर कहीं है ही नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर करेगा कॉन्स्टेंट काम, और कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट होती है जीरो। सिमिलरली यहां पे मैंने लिया वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, मैं बोल रहा हूँ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और गलती क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली लिखते हैं साइन की होती है कॉस ऑफ थीटा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा कॉस थीटा, जबकि ये चीज गलत है, पूछा जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी डी वाई बाई डी थीटा, जो एंगल है यहां पे क्या है थीटा, और आपको उसी में पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी थीटा, तो जाके आएगा एक कॉस थीटा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा वाई है बराबर साइन थीटा, आपको पूछा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां थीटा है यहां एक्स है, यहां थीटा है यहां पे क्या है एक्स है, तो ये जो है ये पूरी टर्म करेगी एक एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड थीटा। चलो वेरिएबल चेंज करने के, मैं लूंगा एस इज इक्वल टू टी क्यूब, मैं बोलूंगा व्हाट्स डी एस बाई डी टी, नाउ एस और टी के बीच में यहां पे रिलेशन है, एस और टी के बीच में यहां पे रिलेशन है, फंक्शन किस में टी में, और आपसे पूछा भी जा रहा है किस में टी में, तो आप करेंगे पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस वन। लेकिन अगर मैं वो बोलूंगा डीएस बाई डी एक्स, डीएस बाई सी, यहां पे पूछा जा रहा है एक्स में, और यहां पे फंक्शन कहीं पे है ही नहीं, यहां टी क्यूब है, यहां पे कहीं एक्स है ही नहीं एक्स, तो ये पूरा करेगा एज एक्ट कॉन्स्टेंट काम, ये आएगा जीरो। हाँ इस इन केस अगर एस में लूंगा एक्स टी क्यूब, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डीएस बाई डी एक्स, व्हाट इज डीएस बाई, देन नाउ हियर दिस टी क्यूब विल एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, बाहर आएगा कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज वन, तो आएगा वो वन, तो जाके आएगा टी क्यूब। लेकिन अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मैंने लिया एस इज इक्वल टू टी क्यूब, आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स और एक्स और टी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये टी क्यूब करेगा कॉन्स्टेंट काम, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करनी थी, तो मैंने बहुत रैपिडली आप लोगों को सारी चीजें कम से कम समझा दी, वो हम बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन आई कहाँ से, वो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया कि किस तरीके से हमारे जो है डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आ गया, ठीक है, और बेसिक मैंने कुछ फॉर्मूलाज दे दी, क्वेश्चन किए चेन रूल, डिविजन रूल और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे बता दिया। तो इतना आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।